हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे एसएससी जेईई में। अगर यदि आप लोग यहां पर सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम से मिनिमम मेंस में कितना स्कोर करना पड़ेगा। देखो क्या है कि देखो प्री का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन आंसर के बेसिस पे हमें लगभग लगभग आइडिया लग गया होगा कि आप लोग के यहाँ पर कितने मार्क्स आप लोग के बन रहे हैं। अगर यदि आप लोग देखो सीपीडब्ल्यूडी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितनी वैकेंसीज थ्रू आउट द ईयर आती रही है। तो अगर मैं बात करूं तो जो वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिख रही है, तो देखो 2017, 18, 19, 20, 22 और 23 का अगर मैं डाटा देख लूं तो यहाँ पर देखो अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर आपको देखने को मिली थी तो देखने को मिली थी आपको 2022 में, और 2023 में भी अगर यदि आप लोग देखोगे तो आप लोग की 421 वैकेंसी थी जो कि बहुत अच्छी है। अगर यदि आप लोग मुझसे पूछोगे सर 2024 में कितनी वैकेंसी है, तो देखो 2024 के अंदर जो वैकेंसीज अब तक आ चुकी है ना वो है आप लोगों की यहाँ पर 206, है ना। तो 206 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी टोटल, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से तो अगर चूंकि देखें कि इस साल वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है, पहले 640 थी, फिर 421 थी, फिर अब 206 रहेगी, तो उसका आप लोगों की कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम लोग यहाँ पर एक बार जरा देख लेते हैं कि किस तरह से आप लोगों का ट्रेंड है, किस तरह से आपकी कट ऑफ जा रही है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं साल 2020, 22 और 23 की, है ना, पिछले तीन सालों की बात करूंगा जब आप लोगों की वैकेंसी 114, 640 और 421 थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो 2020 में, अब देखो ये पुराना पेपर है तो इनको आप लोग यहां पर नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर हम 2022 और 23 की बात करें तो दोनों ही सालों के अंदर अगर यदि आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंग भी आप देखो तो वैकेंसीज ह्यूज वैकेंसीज थी, उसके बावजूद अगर यदि आप लोग देखो तो कट ऑफ आप लोगों की गई थी वो 350 के आसपास पहुंच गई है। देखो जनरली कट ऑफ है 347 पहुंच जाना, तो लगभग लगभग मान लो 350 के आसपास ही आप लोग के यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी सीपीडब्ल्यूडी के अंदर, है ना। ये प्री प्लस मेंस के मार्क्स मिला के कह रहा हूं आउट ऑफ 500, है ना, 200 प्री के और साथ के साथ ही 300 मेंस के मार्क्स दोनों मिला के। तो इस साल अगर यदि आप लोग यहाँ पर स्कोर करना चाहते हैं सीपीडब्ल्यूडी के अंदर, चूंकि इस साल वैकेंसी थोड़ी कम है तो हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर एक कट ऑफ यहाँ से थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी हाई देखने को मिल जाए, हो सकता है 350 का आंकड़ा हमारा यहाँ पर पार कर जाए। लेकिन देखो ये सब चीजें ना डिपेंड करती है किस तरह का एग्जाम आया, किस लेवल से आप लोग यहाँ पर पेपर सेट हुआ है, तो जब तक पेपर नहीं हो जाता आप लोग यहाँ पर उसके लेवल का नहीं आइडिया लगा सकते। लेकिन अगर मैं मान के चल लेता हूँ कि अगर पिछली बार जैसा ही पेपर आ जाता है तो ये कन्फर्म हो जाएगा, तो ये कन्फर्म मान के चलना कि 350 प्लस ही आप लोग का ये पर्टिकुलर जो है सीपीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ जाने वाली है ना। तो अगर यदि आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो देखो एटलीस्ट 350 प्लस का स्कोर तो आप लोग का यहाँ पर होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं। अब चूंकि आप लोग को यहाँ पर 350 प्लस का स्कोर चाहिए तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पर मेहनत जो है थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। हो सकता है आप लोग के देखो प्री के अंदर बहुत से ऐसे होंगे जिनके 110 से लेके 120 के अंदर मार्क्स हैं, या बहुत से ऐसे होंगे, बहुत सारे वेरियस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 120 से लेके 130 मार्क्स है ना। तो इनको देखो बहुत ज्यादा विशेष मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इनको नहीं नहीं करते हुए ना, देखो जो देखो 110 से 130 वाले हैं ना, इनको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत इसलिए क्योंकि इनको मिनिमम 220 से 230 या 240 तक मार्क्स लाने हैं, जो कि इतना आसान काम नहीं रहता है जनरली मेंस के अंदर। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लिए आप लोग यहाँ पर जो है जितनी भी बुक्स हैं या जितनी भी प्रैक्टिस बुक्स हैं, जैसे कि ईएसी की बुक्स हो गई या फिर आप लोग यहाँ पर यूथ की बुक हो गई, इनको आप लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोग 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर यदि आपको क्लासेस चाहिए तो देखो क्लासेस, मेरी क्लासेस ऑलरेडी लाइव चल रखी है, फ्री है पूरी की पूरी यूट्यूब पर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वो भी चाहें तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर फिलहाल के लिए इतना ही बोलूंगा कि देखो इसके लिए अभी से देखो लग जाना। बहुत से लोग इस तरह से वेट कर रहे होंगे कि भाई जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर तैयारी चालू करेंगे, तो मैं बता देता हूँ जिस तरह से एसएससी का अब तक का टोटल मामला मैं देखता आया हूँ पिछले 3-4 साल से, तो यही हो रहा है। एसएससी ना ज्यादा टाइम नहीं देता आप लोगों का, जैसे ही रिजल्ट आता है प्री का उसके 60 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम 60 डेज के अंदर अंदर वो आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करवा देता है। तो इस बार भी एंड टाइम तक वेट मत करना, अभी से आप लोग जुट जाओगे तैयारी करना, ठीक है। बाकी जाते जाते मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर यदि आप लोग ईएससी के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं पिछले 20 से 22 सालों तक के, देखो 22 से 25 सालों तक के सारे सवाल हमने करवाए हुए, एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो अगर यदि आपको चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट दोनों पर देखने को मिल जाएंगे, साथ के साथ गेट के पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है। इसके अलावा अदर कोर्सेज जिसकी आप लोग तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, वो भी आप लोग को यहाँ पर एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों को देखो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।